ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड सर्टनली कैटेगरी ए क्वेश्चन है। तीन फ्रेंड्स हैं, सीता, गीता एंड मीता। उनकी सैलरीज का इनिशियली जो रेशियो हमें गिवन है वो है 5:6:7 रेस्पेक्टिवली। लेट अस से सीता को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर एस से, गीता को जी से और मीता को लेटर एम से। तो जो इनकी इनिशियल सैलरीज है वो रेशियो है 5:6:7। They get salary hikes of 20%, 25% and 20% respectively. Now, एक काम कर सकते हैं क्योंकि सारी जानकारी परसेंटेज में दी गई है, हम यहां पर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस से हमने ये वैल्यू अज्यूम की है 500, ये 600 और ये 700। हम 50, 60, 70 भी ले सकते थे, बट बिकॉज यहां पर दो बार परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है हम डेसिमल अवॉइड करना चाहेंगे। तो यहां पर इंक्रीज हुआ है 20%। 500 का 20% होता है 100, सो इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू क्या हो गई 600। यहां इंक्रीज हुआ है 25% का, 25% 1/4 यानी 150, ये वैल्यू हो गई 750 एंड 20% यहां हुआ है 140, तो ये वैल्यू हो गई है 840। ओके, इन द सेकेंड ईयर सीता और मीता का सैलरी हाइक हमें गिवन है कितना है 40% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, सीता का और मीता का। तो यहां इंक्रीज हुआ है 40%, ये हुआ है 240 का इंक्रीज, तो वैल्यू हो गई 840। यहां इंक्रीज हुआ है 25% का, अगेन 25% होता है 1/4, इसका 1/4 होगा 210, तो ऐड करने पर 1050। एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मेन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स मतलब उसके खुद की सैलरी की तो बात करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम मीन निकालते हैं, मान लीजिए एस प्लस जी प्लस एम, मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे डिवाइड एंड दैट इज इक्वल टू जी। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3g इज इक्वल टू एस प्लस जी प्लस एम, जी राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये 3g की जगह क्या हो जाएगा 2g, तो जी की वैल्यू हो जाएगी एस प्लस एम अपॉन, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1890 अपॉन, फर्दर सिंप्लीफाई करें 945। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकेंड ईयर, यहां से यहां आने पर कितने परसेंट का हाइक हुआ है। अगर हम दोनों वैल्यू का डिफरेंस देखें तो वो होगा 195, इनिशियल वैल्यू 750 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में जानकारी चाहिए। 25 फोर टाइम्स, 25 30 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 15 टाइम्स, 15 13 टाइम्स, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26% फॉर फर्स्ट ऑप्शन।